मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जा रहे हैं कसौली। ये बहुत ही मिनी ट्रिप है, छोटी ट्रिप है, रोड ट्रिप, जो मैं अपने भाई और उसके फ्रेंड के साथ कर रही हूँ इस गाड़ी में। ये हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी है, तो सिंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लोग कसौली पहले शताब्दी से जाते हैं और वहाँ से कैब लेते हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज ये पूरा रोड देखकर, बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड रोड है। आई थिंक शिमला तक ऐसा ही है। ये है हमारा पानी का जग, लंच, स्नैक्स और साथ में चाय की चाय का जग भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रास्ता है कसौली तक का इस टाइम पे, और कसौली इस टाइम पे कैसा दिखता है, और कसौली में आप क्या क्या कर सकते हो। कसौली तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आपको करीब करीब 6.5 से 7 घंटे लगेंगे कसौली पहुंचने में, और बीच में आप एक टोल भी क्रॉस करोगे। तो वैसे आप लोगों को पता है हमारे पास गाड़ी नहीं थी कुछ साल पहले तक। मेरा पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज बिना गाड़ी के गया है। ऐसा नहीं है कि पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हम कहीं जाते नहीं थे, और मेरे पापा का बिजनेस एकदम नीचे था घर के, तो हम कहीं नहीं जाते थे। तो ये सारी जो लग्जरीज हैं ये हमने रिसेंटली स्टार्ट करी है इंजॉय करना। इससे पहले रोड ट्रिप क्या होते हैं, गाड़ी में ऐसे सामान फेंक के निकल जाओ, इससे पहले कभी नहीं किया। तो हमने अभी मेन हाईवे से एक डिटोर लिया है, एक रोड जाता है कसौली को और जो मेन हाईवे है वो जाता है शिमला को। कसौली बहुत पास है, अभी हम करीब आधा घंटा दूर है। कसौली एंटर करने के टाइम आपको ग्रीन टैक्स भरना पड़ता है, 100 रुपए का है। अभी वहां से हमने एंट्री ले ली है, मार्केट क्रॉस कर रहे हैं, बट हम मार्केट में रुक नहीं रहे। माय फेवरेट प्लेस व्हिच इज सुपर क्राउडेड दीस डेज, बट हम कसौली पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हमने सोचा अपने होटल चलते हैं, वहां से सनसेट देखते हैं और अगले दिन सुबह पूरा कसौली एक ही साथ एक्सप्लोर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू वैली होम्स। ये हमारी प्रॉपर्टी, हम जहाँ रुक रहे हैं, और एक्चुअली बेस्ट बात ये है कि थोड़ा कसौली से 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं था जैसे कसौली में एकदम ट्रैफिक जाम हो रखा था। यहाँ पे एकदम शांति है, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। मैं आप लोगों को रूम भी दिखा देती हूँ। ये कॉमन एरिया है जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं, चिल मार सकते हैं, और ये है हमारा रूम, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। तो इनफैक्ट मनाली में मैंने वर्क फ्रॉम माउंटेन्स किया था, ये भी एक परफेक्ट जगह है वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने की, क्योंकि ये आपका एक पर्सनल स्पेस दे देता है आपको, क्योंकि यहाँ पे किचन भी है। यहाँ पे जो आप सोफा देख रहे हो मेरे पीछे, इसे आप डबल बेड भी बना सकते हो, तो एक बेडरूम भी है और यहाँ पे एक सोफा कम बेड भी है जहाँ पे और दो जन सो सकते हैं। डिनर के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी सॉर्टेड था, और यहीं से व्यू बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो सुबह उठते ही आपको यहाँ पे सनराइज, सनसेट, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और ये है इनका पूरा मेन गार्डन, यहाँ से आप पूरा वैली व्यू एंजॉय कर सकते हो, बॉनफायर एंजॉय कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं बाहर, चेकआउट कर रहे हैं, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। कसौली वैसे 1800 मीटर्स की हाइट पे है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने चर्च, स्कूल दिखेंगे, बहुत ही एंशियंट रोमांटिक वाइब आती है। तो अगर अभी हमें एंट्री करना है, फिर लंच के लिए बाहर आना है, फिर एंट्री करना है सनसेट पॉइंट के लिए, दोबारा करना, दो बारी। कसौली के ग्रीन टैक्स का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप जितनी मर्जी बाहर एंट्री ले लो, चाहे दिन में आप 4 बार एंट्री ले रहे हो, आपको 4 बार उस गाड़ी का ग्रीन टैक्स भरना पड़ेगा। और जब आपको मंकीज दिखने लग जाएंगे तो समझ जाइएगा कि आप कसौली पहुंच चुके हैं। तो मंकीज को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं मंकी पॉइंट, जो इस टाइम पे बंद था।
तो हम पहुंच चुके हैं मंकी पॉइंट, ये है मेन एरिया, ऊपर जाके मंदिर आता है, बहुत सारे मंकीज होते हैं और ये आर्मी का बेस भी है। वैसे अंदर जाके आप शूट नहीं कर सकते बट इस टाइम पे कोविड की वजह से वैसे भी मंकी पॉइंट बंद है, बट नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर क्योंकि मंकी पॉइंट का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलेंगे, वहाँ तक की ड्राइव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट कसौली का तो बंद है बट बहुत कुछ अभी भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का चर्च, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चर्च, अगेन वन ऑफ द मेन टूरिस्ट स्पॉट्स, वहाँ की मार्केट और मेरी फेवरेट जगह जिसकी वजह से मैं कसौली चौथी बार आ रही हूँ। आप यहीं के अंकल? बिल्कुल। कितना पुराना है ये 40 साल हो गए इस दुकान को? 98। अच्छा, मैं चौथी बार आ रही हूँ कसौली, हमेशा खाती हूँ बंस में। थैंक यू। तो हम लोग आ गए हैं अभी हेरिटेज मार्केट पे, ये सबसे अच्छी मार्केट है, पुरानी ऑथेंटिक मार्केट है कसौली की, और यहाँ पे मैं बन समोसा हमेशा खाती हूँ आके। कसौली एक बहुत ही छोटा टाउन है, इट्स अ कंटोनमेंट एरिया जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था और अभी तक इसकी वाइब एकदम वैसी ही है। मेरे पीछे चर्च है जो अभी कोविड की वजह से बंद है, हम जा नहीं सकते, बट अभी भी इस चर्च की वाइब वैसी है जैसे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जैसे उन्होंने बिल्ड किया था। बट मैं आपको पुराने सीन दिखा देती हूँ मेरी पुरानी ट्रिप से कि ये चर्च अंदर से कैसा दिखता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसकी वजह से मैं कसौली चौथी बार आ रही हूँ। टाइम हो रहा है 4, तो इट्स अ सनसेट स्पॉट ऑफ कोर्स, बट हम सनसेट पॉइंट नहीं जा रहे जो यहाँ का एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है जहाँ पे सारे टूरिस्ट यूजुअली जाते हैं सनसेट देखने, हम कहीं और जा रहे हैं और मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं गिलबर्ट्स ट्रेल की ओर और वहाँ पे एक बहुत ही सिक्लूडेड सनसेट पॉइंट है जिसका मैं नाम आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट बट ऑफकोर्स हम यहाँ पे रुक नहीं रहे, आपने देख लिया कितना क्राउडेड है, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है। हम जा रहे हैं आगे बट मैं आपको एग्जैक्ट नाम नहीं बताने वाली, मैं आपको जगह दिखाती हूँ। तो मैं और मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स, हमारा ये टाटू भी है, हम लोग 4 साल पहले आए थे और हम ऐसे ही वॉक करने निकले थे और रैंडमली हमने सोचा कि ठीक है ये बहुत ही रैंडम रोड निकल रहा है, यहाँ चलते हैं देखते हैं क्या होगा। And then we discovered this place. It was so random. हमें नहीं पता था कि ये कोई actually spot है। एंड कर रही हूँ, हम मेजेस्टिक पॉइंट पे आके चिल कर रहे हैं, हमने डिनर किया है और कसौली में आप ये कर सकते हो। अगर आपको कसौली आना है तो सजेस्ट कि वीकेंड पे मत आना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, वीकडे विल बी द बेस्ट। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम एंड बाय।